गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर 14, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन दैट इज नोन एज क्षेत्र मिति इन हिंदी, मेजरमेंट ऑफ एरिया। क्षेत्र मिति, क्षेत्र मीन्स एरिया, मिति मीन्स मेजरमेंट, क्षेत्र। व्हाट डू मीन बाय क्षेत्र? क्षेत्र मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रोम्बस एंड सो ऑन। बट टुडे आई विल डिस्कस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। दिस इज द सेकेंड डे ऑफ मेंसुरेशन। आई विल डिस्कस द रेस्ट क्वेश्चन ऑफ वर्कशीट 1 फ्रॉम 6। वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन फ्रॉम 6। सी द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड प्रॉब्लम। द एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम इज 12 स्क्वायर मीटर इफ इट्स हाइट बी 3 मीटर। फाइंड द सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स। एज यू नो दैट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 1/2 ब्रैकेट सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दैट इज डिनोटेड बाय ए प्लस बी, इनटू हाइट। हाइट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। सो आई रिपीट अगेन्स, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ओके, सी द क्वेश्चन वंस अगेन। फाइंड द सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स। इन दिस क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज गिवेन, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज गिवेन, हाइट ऑल्सो गिवेन, एंड यू हैव टू फाइंड सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। लेट सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सी द पिक्चर। दिस फिगर इज ए ट्रेपीजियम। दिस साइड इज रिप्रेजेंटेड बाय बी एंड दिस साइड इज रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड दिस इज द हाइट। हाइट इज गिवेन 3 मीटर। ओके, दैट इज द पैरेलल साइड्स एंड यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स। सो लेट द सम ऑफ पैरेलल साइड्स बी ए प्लस बी। हमने पहले ही इन दोनों को ए और बी मान लिया है, इसलिए हमने पहले ही मान लिया है सम ऑफ पैरेलल साइड्स ए प्लस बी, बिकॉज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, और वी कैन से हाइट। सो वी विल राइट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के नीचे हम लोग 12 लिखेंगे, इज इक्वल टू का साइन देंगे, 1/2 लिखेंगे, एंड ए प्लस बी, जैसा कि हम लोगों को फाइंड करना है पैरेलल साइड्स, तो ए प्लस बी को हमने ए प्लस बी ही रहने दिया, इनटू हाइट इज गिवेन 3। सी केयरफुली, 12 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के ऊपर आ जाएगा और ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के नीचे आ जाएगा। यू कैन सी 12
टू ऊपर चला गया, थ्री नीचे चला गया, इज इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, थ्री फोर जा ट्वेल्व एंड फोर टू जा एट, देन ए प्लस बी इज इक्वल टू 8 meters. सो वी कैन से दैट सम ऑफ पैरेलल साइड्स इज इक्वल टू 8 meters. ओके, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ टेक अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड इट, देन वी विल सोल्व. फाइंड द टू पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम हुज एरिया इज 1.6 मीटर स्क्वायर, एल्टीट्यूड इज 10 dm, एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज लॉन्गर दैन द अदर साइड बाई 8 dm. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज गिवेन इन मीटर स्क्वायर, बट एल्टीट्यूड एंड अदर साइड इज गिवेन इन dm. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट आइदर dm इंटू मीटर, आइदर और मीटर इंटू dm. हेयर वी विल कन्वर्ट मीटर इन dm. सी द आंसर, दिस इज द फिगर ऑफ दैट क्वेश्चन, दैट इज ए, दैट इज ए प्लस एट. क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था कि अगर एक साइड दूसरे साइड का 8 लॉन्गर है, यानी वन साइड ऑफ द पैरेलल साइड्स इज लॉन्गर देन द अदर साइड बाई 8 dm. तो सी, मैंने एक पैरेलल साइड को ए माना है 8 dm और अदर पैरेलल साइड्स को ए प्लस 8 dm माना है, क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा है कि अदर साइड इज लॉन्गर देन वन साइड. ओके, एंड एल्टीट्यूड इज गिवेन 10 dm. नेक्स्ट, एज वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू एच. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 1.6 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2. ए इज ए, बट बी, दैट इज द बी, बी को हम लोगों ने क्या माना है, ए प्लस 8, और एच 10 dm दिया हुआ है. एंड सी केयरफुली हेयर, हमने मीटर को ही कन्वर्ट कर दिया है dm में, और एक मीटर बराबर होता है 10 dm, तो दैट इज मीटर स्क्वायर. सो वी विल राइट 10 into 10 dm square. ओके, 1.6 into 10 into 10 meter square is converted into dm square is equal to 1/2 a plus a 2a plus 8 multiply 10. ओके, जैसा कि हम लोग जानते हैं ये 2 ऊपर चलाता है और ये 10 नीचे चलाता है क्रॉस मल्टीप्लाई होकर. तो 2 देखिए ऊपर चला गया तो यहाँ है और 10 नीचे आ गया, और ये जो 2 plus 8 है वो as usual we can write. 10 10 कैंसिल, 1.6 इंटू 10 टू ज 20 इज इक्वल टू 2a प्लस 8. 1.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो वी गेट 32 इज इक्वल टू 2a प्लस 8. 8 प्लस में है तो इधर जा करके माइनस 8 हो जाएगा, तो 32 माइनस 8 इज इक्वल टू 24 is equal to 2a. After that, a is equal to 24 is divided by 2. The 24 divided by 2, after dividing, we get
12, therefore A is equal to 12 dm। जैसा कि हम लोगों ने एक पैरेलल साइड को A माना था, तो एक पैरेलल साइड्स का लेंथ 12 dm हो गया। सो वी कैन राइट द लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड्स, यू कैन राइट लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड्स इज इक्वल टू 12 dm। एंड अदर पैरेलल साइड्स जैसा कि हम लोग जानते हैं वो 8 dm ज़्यादा था, सो वी कैन राइट 12 प्लस 8, इट मीन्स 20 dm। वन पैरेलल साइड इज 12 dm एंड अदर साइड इज 20 dm, दैट इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 10, टू पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम आर 58 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर, द अदर टू साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ विच इज 17 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। दिस क्वेश्चन इज वेरी इम्पॉर्टेंट द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन, लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दैट इज ए ट्रेपीजियम, लेट ए बी सी डी बी द गिवन ट्रेपीजियम। In these questions, parallel sides, the length of parallel sides are 58 centimeter and 42 centimeter. हमने इस लाइन को 42 सेंटीमीटर माना है और इस लाइन को 58 सेंटीमीटर माना है, और अदर टू साइड्स जो इक्वल साइड्स है वो 17 है, तो ये 17 सेंटीमीटर और ये भी 17 सेंटीमीटर। और इस क्वेश्चन में हाइट नहीं दिया हुआ है, विदाउट हाइट वी कैन नॉट फाइंड एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो सबसे पहले हम लोग एरिया निकालने के लिए हाइट को फाइंड करेंगे। सी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड इट। हमने एक फिगर बनाया है ए बी सी डी, एक ट्रेपीजियम जिसमें ए बी 58 सेंटीमीटर लिया, डी सी 42 सेंटीमीटर, बी सी 17 सेंटीमीटर, ए डी 17 सेंटीमीटर हमने डिनोट कर दिया। थ्रू सी यहां से ड्रॉ सी एफ पैरेलल ए डी, ये लाइन ड्रॉ करेंगे खुद से बाय कंस्ट्रक्शन, हम लोग खुद से इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, इस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। सो मैंने लिखा है ड्रॉ सी एफ पैरेलल ए डी, तो 17 सेंटीमीटर इज ए डी, देयरफॉर सी एफ ऑल्सो बिकम्स 70 सेंटीमीटर। DC and AB is parallel and by construction CF parallel AD, therefore AFCD is a parallelogram, therefore DC 42 then AF is also 42 centimeter, 42 सेंटीमीटर, बिकॉज दिस इज ए पैरेललोग्राम, देयरफॉर डी सी इज इक्वल टू ए एफ, देयरफॉर डी सी 42 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ए एफ 42 सेंटीमीटर। अल्सो ड्रॉ सी ई
परपेंडिकुलर ए बी। यहाँ से हम लोग इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो सी ई परपेंडिकुलर ए बी। नाउ एफ बी, एफ बी, एफ बी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए एफ। ए बी इज 58 सेंटीमीटर एंड ए एफ इज 42 सेंटीमीटर। देयरफॉर एफ बी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए एफ, 58 माइनस 42। आफ्टर सब्ट्रैक्शन वी गेट 16 सेंटीमीटर। एफ बी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। इन ट्रायंगल सी एफ बी, इन ट्रायंगल एफ बी सी, सी एफ बी कुछ भी लिख सकते हैं आप। एफ सी 17 सेंटीमीटर, बी सी ऑल्सो 17 सेंटीमीटर और एफ बी इज 16 सेंटीमीटर। यू कैन सी दो साइड इक्वल है, 17 एंड 17 सेंटीमीटर। सो वी कैन से दैट इट इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल। तो ट्राइंगल एफ बी सी इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल। आइसोसेलस ट्राइंगल में हम लोगों ने ये परपेंडिकुलर इस लाइन पर ड्रॉ किया और हम जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्राइंगल में और आइसोसेलस ट्राइंगल में अपोजिट वर्टेक्स से सामने वाले लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इस लाइन को वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। दैट इज द रूल ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल एंड आइसोसेलस ट्राइंगल। देयरफॉर ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एफ बी एज वी राइट। सो E इज द मिड पॉइंट ऑफ एफ बी, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि दैट इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल। तो परपेंडिकुलर आइसोसेलस ट्राइंगल में अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, तो इसीलिए E एफ बी का मिड पॉइंट हुआ। देयरफॉर एफ ई इज इक्वल टू ई बी, एफ ई इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू हाफ ए बी, इस साइड का हाफ। और एफ बी को हम लोगों ने फाइंड आउट किया था 16 सेंटीमीटर, सो वी कैन राइट 1/2 इंटू 16। आफ्टर डिवाइडिंग वी गेट 8 सेंटीमीटर। एफ ई इज 8 सेंटीमीटर। नाउ कंटिन्यू सी हियर। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल सी ई एफ, सी द फिगर सी सी ई एफ। इस ट्राइंगल में दैट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मेक्स 90 डिग्री एट दिस पॉइंट एंड अपोजिट साइड्स एज यू नो दैट दैट इज हाइपोटेनस एंड दैट इज बेस। इन राइट ट्राइंगल सी ई एफ दैट इज हाइपोटेनस, that is perpendicular and we have to find FE. So मैंने लिखा सी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। सी एफ 17 सेंटीमीटर एज गिवेन इन द क्वेश्चन। 17 स्क्वायर इज इक्वल टू का साइन एफ ई, जैसा कि हम लोगों ने फाइंड आउट किया था 8, 8 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 17 जा 289 इज इक्वल टू 88 जा 64 प्लस सी ई स्क्वायर। 289 माइनस 64 इज इक्वल टू सी ई स्क्वायर। 289 में से 64 को सब्ट्रैक्ट करेंगे वी गेट 225 इज इक्वल टू सी ई स्क्वायर। सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 225 एंड 225 इज द स्क्वायर ऑफ 15, सो वी कैन राइट 15 स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, देयरफॉर वी गेट सी ई इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। जैसा कि हम लोगों ने माना था कि सी ई एल्टीट्यूड है, सी ई 15 सेंटीमीटर
दैट इज द एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रेपीजियम एंड वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. एज यू नो द फॉर्मूला ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स ए बी प्लस डी सी एंड हाइट सी. 1/2 ए बी इज गिवेन 58 सेंटीमीटर प्लस डी सी इज गिवेन 42 सेंटीमीटर इंटू सी इज वी हैव टू फाइंड 15. आफ्टर एडिंग वी गेट 100. 2 से डिवाइड किए 100 को 50. 15 फाइव्स आर 75 एंड वी राइट 0. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 750 सेंटीमीटर स्क्वायर. हेंस द आंसर इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 750 सेंटीमीटर स्क्वायर. दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन 12. द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रेपीजियम इज 104 मीटर. इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर 18 मीटर एंड 22 मीटर एंड इट्स अल्टीट्यूड इज 16 मीटर. देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. फिगर सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे. ए बी सी डी को हम लोगों ने ट्रेपीजियम मान लिया जिसमें ए डी को 18 मीटर और बी सी को 22 मीटर जो नॉन पैरेलल साइड्स है उसको हम लोगों ने 18 मीटर और 22 मीटर मान लिया जैसा कि क्वेश्चन डिमांड कर रहा है. ए डी 18 मीटर बी सी 22 मीटर ए बी को हम लोगों ने बी माना और डी सी को हम लोगों ने ए मान लिया एंड एल्टीट्यूड इज गिवेन डी एल इज इक्वल टू 16 मीटर. यू कैन सी एज यू नो दैट पेरीमीटर ऑफ ए ट्रेपीजियम ए बी सी डी दैट इज द बाउंड्री एंड यू नो दैट बाउंड द लेंथ ऑफ बाउंड्री इज नोन एज पेरीमीटर एंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम इज गिवेन 104 मीटर. पेरीमीटर को हम लोगों ने क्या लिखा है ए डी प्लस डी सी प्लस बी सी प्लस ए बी इज इक्वल टू 104. ए डी इज गिवेन 18 प्लस डी सी इज ए बी सी 22 एंड ए बी को हम लोगों ने बी माना है. बी डी सी को हमने ए माना बी सी ए बी को हमने बी माना एंड 104. 18 एंड 24 आफ्टर एडिशन वी गेट 40 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 104. ए प्लस बी इज इक्वल टू 104 माइनस 40. आफ्टर सब्ट्रैक्शन वी गेट 64 मीटर. ए प्लस बी इज इक्वल टू 64 मीटर. देन वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स. पैरेलल साइड्स इज डी सी एंड ए बी. एज बी लेट डी सी बी ए एंड ए बी 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 सो वी कैन राइट सम ऑफ पैरेलल साइड्स ए प्लस बी इंटू एच एल्टीट्यूड. 1/2 इंटू ए प्लस बी को हमने फाइंड आउट किया 64. यू कैन राइट ए प्लस बी एच 64 इंटू एच इज गिवेन एज एन एल्टीट्यूड 16 मीटर. आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 512 मीटर स्क्वायर. सो द आंसर ऑफ
एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 512 मीटर स्क्वायर. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस. ओके, थैंक यू.